Now let's see exercise 11.4, page number 157. First question, multiply rupees and paise. How to multiply rupees and paise? First we decide rupees, then paise. Question number first, part A. Rupees, here paise. 16 rupees. रुपीज के पास रुपीज को लिखिए, 23 पैसे, 16 रुपीज, 23 पैसे, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस है हम पैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, बस रुपए को रुपए के नीचे और पैसे को पैसे के नीचे लिखेंगे, ठीक है। 3 3 या 9 राइट हियर 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, here 8 carry 1, 3 1 जा 3 and 1 4, 48 rupees 69 paise. Now again another question, let's see first D, 138 rupees and 35 paise multiply by 2, 2 5 जा 10, here 0 carry 1, 2 3 जा 6 and 1, 7, 2 8 जा 16, 6 carry 1, 2 3 जा 6 and carry 1, 7, 2 1 जा 2, तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं रुपी और पैसे को, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमने बता दिया, फर्स्ट में टोटल 6 हैं और आप लोग सॉल्व करिएगा, होमवर्क नोट कर लीजिए, सॉल्व एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए टू ई एफ। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं।